जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में। हमीरपुर जनपद के सरीला में दो पत्रकारों के साथ हुए अमानवीय दुर्व्यवहार के मामले में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी से संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंप नगर पंचायत सरीला में भ्रष्टाचार की जांच करवाने सहित घटना कारित करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इदरीश खान की अगुवाई में दिए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि सरीला नगर पंचायत में फैले भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार अमित द्विवेदी व शैलेंद्र मिश्रा को आक्रोशित भाजपा चेयरमैन पवन अनुरागी व उनके साथियों ने अपहरण कर बंधक बनाकर घंटों निवस्त्र कर मारपीट व मूत्र पिलाने की घटना को अंजाम दिया था। कहा कि इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। उन्होंने नगर पंचायत सरीला में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करने, दोषियों पर कानूनी कार्यवाही करने सहित दोनों पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। विधानसभा के सरीला कस्बे की घटना है। हुआ ये था कि नगर पालिका के चुने हुए सभासदों के द्वारा भ्रष्टाचार का एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। उस ज्ञापन को मीडिया का चूंकि काम है निकालना, मीडिया वालों ने प्रकाशित किया जो सत्ता और प्रकाशित करना चाहिए था। उसके आक्रोश में आकर के भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन पवन अनुरागी, उन्होंने उनको पत्रकारों को नग्न करके घर में पीटा, शराब पिलाई, पेशाब पिलाई, क्या नहीं किया। समाजवादी पार्टी पूरा परिवार आज पीड़ित परिवार के साथ में है। मीडिया वालों के साथ ये दुर्व्यवहार समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। लगातार बीजेपी सरकार में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही पत्रकारों के साथ। हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में देश में संघर्ष चल रहा है।